ये सीधा रोड आपका कपिल मुनि आश्रम की तरफ जाएगी, तो इधर ही से अभी हम लोग जाने वाले हैं। और ये देखिए, वेलकम टू गंगा सागर। ये देखिए सारा बस यहीं पे उतरते हैं सभी लोग, और यहाँ से अभी हम लोग सीधा चलते हुए जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लाइटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। देख रहे हैं ये द्वार है कपिल मुनि अभी आश्रम की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं। वेलकम टू गंगा सागर। सामने देख सकते हैं प्रभु श्री हरि जी का कीर्तन भी हो रहा है यहाँ पे। सामने में कई सारे खाने पीने की दुकानें भी आपको मिल जाती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिनर भी लंच भी आप बहुत ही कम पैसों में 30-35 रुपये प्लेट में आप खा सकते हैं। देख रहे कितना अच्छा सुंदर सा लाइटिंग किया हुआ है। यह गंगा सागर मेला का ऑफिस है जहाँ पे आप लाइटिंग के द्वारा जितने भी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं भजन कीर्तन उनका आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कंट्रोल रूम है, जितना भी सीसीटीवी कैमरा है उनका यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। देख सकते हैं मेले का आप लाइव दर्शन कर सकते हैं जितने भी कार्यक्रम हो रहे। अभी हम लोग कपिल मुनि आश्रम पहुँचे नहीं हैं, ये अभी हम लोग गंगा सागर मेला देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ बंगला से। देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग गंगा सागर मेला में एंट्री कर चुके हैं, और सामने में कपिल मुनि का वो मंदिर आपको देखने को मिलता है। कपिल मुनि आप जानते ही होंगे कि कपिल मुनि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने यहाँ के सागर राजा के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर उन्हें नर्क में भेज दिया था। देख सकते सामने लिखा हुआ मंदिर जाने का रास्ता, सामने जो देख सकते हैं आप, देख रहे काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे श्रद्धालुगण यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कोई मथुरा यूपी बिहार आपका असम बांग्लादेश, बहुत सारे श्रद्धालुगण यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। करीबन लाखों लोगों की संख्या में आपको मकर संक्रांति के दिन ये देखने मिलेगा। तो अभी ये मेला 17 तारीख तक चलेगी, तो आप कभी भी आके यहाँ पे घूम सकते हैं। सामने लाइव कार्यक्रम आप देख सकते हैं, बड़े बड़े स्क्रीनों में भी देख सकते हैं। चलिए अभी आरती हो रही है, हम आपको आरती दिखाते हैं कैसे आरती हो रही है। वाओ, अमेजिंग। आप कभी अभी अगर आते हैं इस तरीके से कुंभ मेला का आपको दर्शन मिल रहा है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कुंभ मेला हो रहा है, और मकर संक्रांति के दिन काफ़ी भीड़ होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग चुनरियाँ भी बांधते हैं, मन्नतें भी रखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे ये कपिल मुनि जी की आश्रम है, और अभी हम लोग ने आरती देखी कपिल मुनि जी की, और बहुत ही अच्छा आरती देखने को मिला। और ऐसा संगम जहाँ पे बहुत सारे लोगों की तालियां गूंज रही थी, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के जय श्री राम जय कपिल मुनि के नारे लग रहे थे, तो ये देखना बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और यहाँ पर आना ही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो आपको हर साल यहाँ पे इस तरीके का दर्शन आपको देखने को मिलेगा, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो यहीं पे अभी आरती हुई, और आरती फिलहाल ख़त्म हो चुकी है। आरती ख़त्म होने के बाद चलिए अभी दूसरे जगह हम लोग जाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए नागा बाबा है, तो यहाँ काफ़ी सारे नागा बाबा लोग आए हुए हैं जो भस्म से लेपे हुए हैं, आप उधर भी देख सकते हैं, उस साइड में भी है बहुत सारे लोग।
देख रहे बहुत सारे भक्तगण क्या है नागा बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये सारी दुकानें तो प्रसादी की दुकानें देखने मिलेगी जो अभी बंद है और सुबह में खुलने वाली है, तो काफ़ी भीड़ सुबह में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, वो भी हम नज़ारा आपको देख रहे दोस्तों। ये बहुत बड़े एरिया में अभी मेला लगा हुआ है और अभी हम लोग जा रहे हैं बीच की ओर। ये राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पूरा मेला लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गंगा घाट के सामने। ये जो देख रहे हैं ये सामने में ये बंगाल की खाड़ी है और यहीं पे गंगा अभी समाहित हो रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और काफ़ी विदेशों से भी लोग आए हुए हैं इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, तो वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहे मेरे वीडियो में। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Here it's the church on the church. फाइनली गंगा सागर मेला में रात में हम लोग घूम चुके हैं और अभी भी मेला में करीबन 5 दिन और बचा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रात में किस प्रकार में यहाँ पे आरती होती है कपिल मुनि के आश्रम में, फिर हमने यहाँ पे मेला देखा कितने बड़े एरिया में यहाँ पे मेला आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग बंगाल की खाड़ी के समीप जहाँ पर गंगा देवी जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है वहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया था जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे बाहर बाहर से, कोई अमेरिका से, अफ्रीका से, कोई सर्बेरिया से, यूक्रेन से आए हुए थे और हरि के भक्ति के लिए आज कितने हम लोगों को इन्जॉय किए, बहुत इन्जॉय लगा वहाँ पे पहुँच करके, सारे लोग हम लोग इन्जॉय किए। तो ये कुंभ मेला सच में काफ़ी हम लोगों के लिए बहुत ही यादगार पल रहेगा। तो आज का रात कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे कुंभ मेला, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कुंभ मेला आयोजन हुआ था? बहुत ही मजा आया, हम लोग कीर्तन किए वहाँ पे फॉरेनरों के साथ, बाहर से भी बहुत सारे काफी सारे फॉरेनर आए हुए थे जो कि इस्कॉन से थे और वो लोग काफी अच्छा कीर्तन हम लोग से भी कर रहे थे, तो देख के बहुत ही अच्छा उत्सुकता लगा कि हम लोग के देश के बाहर भी हरे कृष्णा का नाम पूरे देशों में विख्यात है, तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है। हजारों से भी ज़्यादा लोग एक ही जगह में एक ही स्टेज में हम लोगों ने एंजॉय किया इस पल को। और ये आपको कपिल मुनि आश्रम के सामने सागर के तट पर आपको देखने को मिला हम लोगों को आज रात को,
तो चलिए अभी हम लोग रात 10 बज चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम जो कि यानी आश्रम, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल। तब तक के लिए बने रहे मेरे परीक्षा ब्लॉग चैनल के साथ। थैंक यू।